नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन संबंधित कोई भी जानकारी सबसे पहले और बिल्कुल सही सही मिलती है। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस और ऑफलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस दोनों स्टार्ट हो चुके हैं। 1 अप्रैल 2021 से ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस कक्षा 1 में एडमिशन के लिए स्टार्ट हो चुका है और 8 अप्रैल 2021 से क्लास 2 से लेकर और उसके ऊपर की क्लासेस क्लास 12 तक के जो क्लासेस हैं उसमें एडमिशन के लिए जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों, ऐसे में मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे बहुत सारे मित्रों ने फॉर्म अपने बच्चे के लिए फिल कर दिया होगा। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम आपके कमेंट का रिप्लाई भी करते हैं और आपके कमेंट को एनालाइज भी करते हैं, तो दोस्तों आपके कमेंट को एनालाइज करके पता चलता है कि बहुत सारे हमारे मित्र ऐसे हैं जिनको अभी सर्विस सर्टिफिकेट फिल करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि वो जो सर्विस सर्टिफिकेट का परफॉर्मेंस दिया हुआ है केंद्रीय विद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर, उसको कैसे फिल करना है और उस सर्विस सर्टिफिकेट की जो डिटेल है उनको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में कैसे फिल करना है, इस चीज को लेकर थोड़ा सा टेंशन है। उनको बार बार यही कमेंट्स आ रहे हैं कि हम सर्विस सर्टिफिकेट को कैसे और सर्विस सर्टिफिकेट में जो डिटेल्स पड़ी है उसको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में कैसे भरें। तो दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको दो चीजें बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपको सर्विस सर्टिफिकेट और नंबर ऑफ ट्रांसफर का सर्टिफिकेट कैसे बनवाना होता है, उसमें क्या क्या जानकारी फिल करनी होती है, मतलब जो आपका सर्टिफिकेट बनेगा हार्ड कॉपी उसमें आप क्या क्या डिटेल्स फिल करवाएंगे अपने ऑफिस से, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो आप जो है वो सर्टिफिकेट आप में आपको क्या क्या डिटेल फिल करनी है, मतलब हार्ड कॉपी में आपको क्या क्या डिटेल अपने ऑफिस से फिल करवाना है, और उसके बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम क्या क्या जानकारियां उस सर्टिफिकेट के बेसिस पर फिल करनी है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करके दिखाता हूँ कि आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करना है, उसका प्रिंट आउट कैसे लेना है और उसके बाद उसको अपने ऑफिस से फिल कैसे करवाना है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाना होगा, threelittletutor.site। ये हमारी वेबसाइट है, इसके थ्रू आप डायरेक्ट पहुंच जाते हैं और केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड सारी जानकारी आपको वहां पर मिल जाती है। तो दोस्तों, यहां पर जब आप जाएंगे तो यहां पर आपको क्लिक करना है डाउनलोड ऑल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। जैसे ही आप ऑल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो प्रोफॉर्मा डाउनलोड करना है, मतलब जो आपको सर्टिफिकेट का फॉर्मेट डाउनलोड करना है, वो डाउनलोड करने की लिंक आपको यहाँ पर एक एक करके मिल जाएगी। जैसे कि सेल्फ डिक्लेरेशन डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड रेजिडेंस, उसके बाद सर्विस सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट, फॉर्मेट सर्विस सर्टिफिकेट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, एफिडेविट फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड, डाइट हार्नेस सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट। दोस्तों, अभी इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं इसमें मैं आपको बताऊंगा सर्विस सर्टिफिकेट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा फॉर्मेट सर्विस सर्टिफिकेट फॉर स्टेट गवर्नमेंट, इसको आपको कैसे फिल करवाना है अपने ऑफिस से। तो चलिए सबसे पहले मैं डाउनलोड करता हूँ, क्लिक हियर पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड होने के बाद ये ओपन हो जाएगा, आप इसको अपने फोन में भी कर सकते हैं, मैं पहले ही कंप्यूटर पर दिखा रहा हूँ, ये आप अपने फोन में भी कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है। दोस्तों, इस तरीके का सर्विस सर्टिफिकेट आपके सामने खुलकर आ जाएगा, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप चाहें तो इसको हिंदी में भी फिल करवा सकते हैं, आप चाहें तो इसको इंग्लिश में भी फिल करवा सकते हैं। तो सर्टिफाइड दैट श्रीमती इज वर्किंग एज अ रेगुलर एम्प्लॉय इन द ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ ही सी इज एम्प्लॉय ऑफ डिफेंस सर्विस सीआरपीएफ बीएसएफ एनएसजी एसपीजी सीआईएसएफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग फुली फाइनेंस्ड पार्शियली फाइनेंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड हिज सर्विसेज आर नॉन ट्रांसफरेबल ट्रांसफरेबल एनीवेयर इन इंडिया। तो दोस्तों, इसको भरने के लिए सबसे पहले यहाँ पर पेरेंट्स जो एम्प्लॉय है सेंट्रल गवर्नमेंट में उनका नाम यहाँ पर भरा जाएगा, उसके बाद वो कहाँ पर काम करते हैं, जैसे कि उनका ऑफिस का नाम, जैसे कि किसी बच्चे के जो फादर हैं या मदर हैं वो रेलवे में काम करते हैं, तो यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा कि इंडियन रेलवेज में काम करते हैं और उसके कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं। उसके बाद ये दोनों चीज आपको भरना है, उसके बाद यहाँ पर जो आपके ऑफिस के हेड होंगे उनका सिग्नेचर, उनका नाम और वो कौन से पद पे हैं और उनके ऑफिस का जो स्टैंप है उनके ऑफिस का मुहर, इतना यहाँ पर लगेगा। उसके बाद दोस्तों, ये कौन मतलब आपको प्लेस का नाम लिखना है, जैसे कि मान लीजिए आपका ऑफिस रायपुर में है तो आप यहाँ पर रायपुर लिख देंगे। उसके बाद जिस भी डेट को ये बना सर्टिफिकेट
उसका नाम, उसके बाद ऑफिस का पूरा एड्रेस और उसका टेलीफोन नंबर आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। तो इस तरीके से आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आपको सर्विस सर्टिफिकेट इस तरीके से अपने ऑफिस से बनवाना है। और जो भी डिटेल आप इसमें भरेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम, अगर आपसे डिटेल भरने को मांगता है तो आप इसी के बेसिस पर डिटेल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में भर दीजिएगा। तो दोस्तों ये देख लिया हमने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, अब हम देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट का मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लिया, उसके बाद इसको ओपन करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए जो प्रोफॉर्मा है, जो फॉर्मेट है, वो खुल के आ गया है। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्टिफाइड दैट श्री श्रीमती ही इज वर्किंग इन द ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ एंड हिज हर सर्विसेज आर ट्रांसफरेबल नॉन ट्रांसफरेबल एनीवेयर इन द स्टेट। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ बच्चे के माता पिता का नाम यहाँ पर फिल करना होगा, वो किस ऑफिस में किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं वहाँ ये आपको यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद अगर फादर हैं तो आपको एसएमटी कट कर देना है, श्री आएगा, और अगर ऑफिस में काम करते हैं तो आपको मिनिस्ट्री कट कर देना है, ऑफिस आएगा, और अगर मतलब जो भी एप्लीकेबल ना हो आप कट कर सकते हैं। हिज हर अगर फादर है तो ही जाएगा, हर है तो मदर है तो हर आएगा। इस तरीके से अगर उनकी जॉब जो है ट्रांसफरेबल है तो आप इसको रहने दीजिए, इसको कट कर दीजिए, अगर ट्रांसफरेबल नहीं है तो आप जो है नॉन ट्रांसफरेबल को कट कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो है इसको फिल करेंगे। उसके बाद सेम वही सिग्नेचर ऑफ हेड ऑफ द ऑफिस, जो भी ऑफिस के हेड हैं जहां पर बच्चे के माता या पिता काम करते हैं, माता या पिता किसी एक का भी, तो वहां पर उनके ऑफिस के हेड का सिग्नेचर होगा, उनका नाम, वो कौन से पद पे हैं और उनके ऑफिस का स्टैंप होगा। उसके बाद दोस्तों जहां पर उनका ऑफिस है वो प्लेस, जिस डेट को यह सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है वो डेट, और उनके ऑफिस का पूरा पता और उसका टेलीफोन नंबर क्या है उसको आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो इस तरीके से अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो आप ये सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, और इसी के बेसिस पर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम अगर सर्विस से रिलेटेड कोई जानकारी पूछता है तो आप इसी बेसिस पर वहां पर फिल कर दीजिए, अदरवाइज ये एडमिशन के टाइम पर आपको काम देगा। उसके बाद दोस्तों ये स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात हो गई। अब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है लोगों को कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो होता है वो कैसे बनता है। तो दोस्तों ट्रांसफर सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो सेंट्रल और स्टेट दोनों के लिए एक है। तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा और आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ ट्रांसफर सर्टिफिकेट कैसे आपको फिल करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट खुलकर आ गया है। आप चाहे हिंदी में फिल करें या फिर इंग्लिश में फिल करें, दोनों में से किसी एक को चूज कर सकते हैं। तो आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट फिल करने के लिए यहाँ पर बच्चे के पेरेंट्स का नाम, चाहे मदर या फादर दोनों में से किसी एक का, आई यहाँ पर आपको बच्चे का या तो मदर का नाम रहेगा या तो फादर का नाम रहेगा जो भी सर्विस में है। उसके बाद उनका जो पद है, उनकी जो रैंक है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। उसके बाद किस ऑफिस में है वो, ऑफिस का नाम, और उसके बाद यहाँ पर कितनी बार ट्रांसफर हुआ है इन फिगर एंड इन वर्ड्स, मतलब आपको यहाँ पर जैसे कि 7 बार है तो 07 और उसके बाद 7 ये भी लिखना होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ट्रांसफर की डिटेल देनी होती है। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको लिखना है स्थान से, मतलब जहां से उनका ट्रांसफर हुआ है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूं, जैसे कि वो दुर्ग में थे तो यहाँ पर दुर्ग लिखा जाएगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द ऑफिस, उन्होंने दुर्ग ऑफिस को कब ज्वाइन किया था, और डेट ऑफ रिलीज ऑफ फ्रॉम द ऑफिस, और उन्होंने दुर्ग ऑफिस को कब छोड़ा था, वो कितने दिन तक उस ऑफिस में थे, अब वो ट्रांसफर होकर किस ऑफिस में आए हैं, उस ऑफिस का नाम, उसके बाद दोनों ऑफिस के बीच की जो दूरी है वो किलोमीटर में कितनी है, और जो ट्रांसफर ऑर्डर नंबर है वो आपको यहां पर मेंशन करना होगा। तो दोस्तों अगर मान लीजिए 7 बार ट्रांसफर हुआ है माता या पिता किसी दोनों में से किसी एक का, तो आपको यहां पर 7 ट्रांसफर्स को एक एक करके इन बॉक्सेस में मेंशन करना होता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है
नंबर ऑफ ट्रांसफर ये जो है आप भर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक डिक्लेरेशन देना होता है, माता या पिता दोनों में से जिसका भी आप ये डिटेल दे रहे हैं उनका यहाँ पर सिग्नेचर होगा, उस स्थान का नाम जहां पर आप ये सर्टिफिकेट बना रहे हैं, उसके बाद वो डेट जिस भी डेट को ये सर्टिफिकेट आप बना रहे हैं वो डेट यहाँ पर आपको देना होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और है काउंटर सिग्नेचर। काउंटर सिग्नेचर के तौर पे आपको यहाँ पर देना होता है इसमें यहाँ पर काउंटर सिग्नेचर में यहाँ पर आपके जो ऑफिस के हेड हैं वो लिख कर देते हैं कि मैं ऑफिस का हेड, जो ऑफिस का हेड होगा उनका नाम यहाँ पर, उनका रैंक क्या है, उनकी पोस्ट क्या है, उनका डिजिग्नेशन क्या है वो यहाँ पर मेंशन करेंगे, और उसके बाद वो कौन से डिपार्टमेंट के हैं वो यहाँ पर मेंशन होगा, उसके बाद उस ऑफिस का प्लेस वो यहाँ पर मेंशन होगा, उसके बाद जिस डेट को ये सर्टिफिकेट बना रहे हैं वो डेट, उसके बाद जो भी कंपीटेंट अथॉरिटी होंगे मतलब जो भी हेड होंगे ऑफिस के उनका यहाँ पर सिग्नेचर करना है, उनका नाम उनका पद और उनके ऑफिस का स्टैम्प। तो दोस्तों उनके ऑफिस का यहाँ पर पूरा एड्रेस और फोन नंबर के साथ होना चाहिए, और यहाँ पर एक नोट लिखकर आ रहा है मिनिमम पीरियड ऑफ पोस्टिंग स्टे एट अ प्लेस शुड बी मैक्सिमम 6 मंथ, मतलब कि एक जगह पर पोस्टिंग मिनिमम 6 महीने की होनी चाहिए। तो दोस्तों ये जो फॉर्मेट है, ये वाला काउंटर सिग्नेचर वाला जो फॉर्मेट है, ये आपके ऑफिस के हेड, जैसे कि बच्चे के जो पेरेंट्स हैं माता या पिता उनके जो ऑफिस के हेड होंगे वो काउंटर सिग्नेचर करके देते हैं कि हाँ मैं ये प्रमाणित करता हूँ कि मैंने जो भी ऊपर ट्रांसफर का डिटेल ये दिए हैं वो सब कुछ सही है, वो ऑन रिकॉर्ड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से वो सर्टिफाई करके दे देते हैं, तो आपका ये वाला भी सर्टिफिकेट कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों सर्विस सर्टिफिकेट के तौर पर अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट से बिलोंग करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस है आपकी, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट और उसके बाद उसके साथ ये वाला भी फॉर्मेट, नंबर ऑफ ट्रांसफर वाला फॉर्मेट, भले ही आपके एक भी ट्रांसफर ना हुए हो लेकिन तब भी आपको ये वाला फॉर्मेट भर के देना होता है। अगर आपके एक भी ट्रांसफर नहीं हुए हैं तो आपको यहाँ पर डिटेल वगैरह फिल करनी होगी और नंबर ऑफ ट्रांसफर यहाँ पर 0 फिल करना होगा, और उसके बाद यहाँ पर आपको डैश 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 कर देना है, लेकिन आपको देना होता है। इसी तरीके से अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो आपको स्टेट गवर्नमेंट का जो पहले मैंने फॉर्मेट बताया वो फॉर्मेट फिल करना होता है, उसके बाद उसमें भी आपको सर्टिफिकेट ऑफ नंबर ऑफ ट्रांसफर देना होता है। तो दोस्तों अगर आपके 0 ट्रांसफर हुए हैं उसमें तो भी आपको ये देना ही होगा, तो आप उस केस में आपको यहाँ पर 0 लिखना है और यहाँ पर डैश डैश करके, और ये वाला फॉर्मेट जो है आपका काउंटर सिग्नेचर वाला ये भी आपको बनवा कर देना होता है। तो इस तरीके से दोस्तों सर्विस सर्टिफिकेट बनता है जो कि आपके बच्चे के एडमिशन के टाइम पर केंद्रीय विद्यालय संगठन या फिर KV स्कूल में जब आपके बच्चे का एडमिशन होगा तो उस टाइम पर आपको ये प्रोड्यूस करना होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से बहुत सारे हमारे दोस्तों ने इसको बनवा लिया होगा, तो अगर किसी हमारे दोस्तों ने नहीं बनवाया है तो जल्द से जल्द इसको बनवा लें ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस जानकारी से आप लोग जरूर सेटिस्फाई हुए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से रिलेटेड छोटी छोटी जानकारी, नई नई जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। प्रेस द बेल आइकन ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई यूजफुल जानकारी के साथ, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें।